हेलो दोस्तों, घड़ी में बज रहे हैं ठीक 10 और पेश हो गए हम एक नई पेशकश के साथ। आज हम बात करेंगे उस बोलिंग सेंसेशन की जिसकी बोलिंग से लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर हर्षोत्साहित हो गए कमेंटेटर बॉक्स में, क्योंकि खास है ये बॉलर। आते ही इसने अपना दीवाना सनी गावस्कर, केविन पीटरसन, डेल स्टेन, इरफान पठान जैसे दिग्गजों को बना लिया। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो का आगाज करते हैं। एंड हियर कम्स उमरान मलिक। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भाई अपना शॉर्ट टर्म कोविड 19 रिप्लेसमेंट आया था टी नटराजन के लिए, लेकिन फिर ऐसा मामला बना कि मानो हिंदी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दी गई हो। कहते हैं ना, किस्मत ऐसे ही बनती है। 22 साल का है अपना भाई, 17 साल की उम्र में टेप बॉल क्रिकेट खेलता था। जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखता है अपना उमरान। एक बात जान के हैरानी होगी आपको, शायद नहीं भी होगी, उमरान ने सिर्फ एक लिस्ट ए मैच खेला है और चंद T20 मैचेस खेले अपने डोमेस्टिक करियर सर्किट में, और इतनी जल्दी एक ऐसी खोज बन गए हैं कि पूछो मत। कुछ याद आ रहा है इनको देखकर आपको? सोचो जरा, हम ही बता देते हैं आपको, नहीं तो ज्यादा ही ना सोच लो कहीं आप। इनसाइडर्स नाम की एक वेब सीरीज देखी है आपने? उसमें सिद्धांत चतुर्वेदी ने प्रशांत कन्नौजिया का किरदार निभाया है। उसी के कैरेक्टर जैसा मामला नहीं लग रहा है आपको कुछ? तो कमेंट बॉक्स पर लिख के बताओ। अब इतना तो कर ही सकते हो यार हमारे लिए आप। वीडियो की शुरुआत में कहा था ना मैंने कि खास है ये बॉलर। इतना खास है कि तेज गेंद फेंक रहा है कि स्पीड गन 1 ही ना टूट जाए। मतलब लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे प्लस की रफ्तार से गेंद। कौन ही फेंकता है भाई इतनी भन्नाट गेंद इंडिया में? सही पूछो तो उमरान भाई ने 152.95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी ना, दिल खुश कर दिया भाई ने। चलो एक बात मैं आपको बताता हूँ, IPL के ऑक्शन में उमरान मलिक को सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन किया और इनको प्रायोरिटी मिली थी स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर के ऊपर। मस्त है ना? अभी तक के IPL करियर में मलिक ने 90% गेंदे फेंकी हैं जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे से हैं, और एवरेज है महोदय का 145 किलोमीटर प्रति घंटा। यार चलो बहुत कर ली रफ्तार वफ्तार की बातें। पूर्व भारतीय बॉलर इरफान पठान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनको मलिक में एस पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वकार यूनुस की छाप दिखती है। मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया गया है इनको। वहीं पर पूर्व वेस्ट इंडियन क्विक बॉलर इयन बिशप, जो फर्राटेदार कमेंट्री भी करते हैं, वो कह रहे हैं कुछ ही समय की बात है फिर देखो इंटरनेशनल स्टेज में पदार्पण करेगा अपना उमरान, जो झंडे गाड़ देगा और सामने वाली टीम के स्टंप विस्टंप उखाड़ देगा। झंडे वाली बात बिशप भाई की है, दूसरी मैंने ऐड करी है। पूरा मत मानना, मानना चाहोगे तब भी मत मानना। डेल स्टेन तो भाई साहब उमरान को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बिशप यहाँ तक कहते हैं कि उमरान तो डराता है ठीक वैसे ही जैसे लॉकी फर्गसन और जोफ्रा आर्चर डराते हैं। UAE वाले IPL संस्करण में उमरान गए थे एज अ नेट बॉलर, और तो और 2021 वाले T20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया के लिए एज अ नेट बॉलर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये फर्स्ट क्लास डेब्यू भी इंडिया ए के लिए किया था। ये बात तो तय है, BCCI काफी हाई रेट करती है इस प्रॉमिसिंग यंग बॉलर को। गुजरात टाइटंस के विरुद्ध खेले गए मुकाबले में तो दिखा दिया बंदे ने कि सिर्फ फोफा नहीं है इनके बारे में बात जो कर रहे हैं, बल्कि दम है बड़े मलिक साहब के बेटे में। क्या ही मुकाबला था यार GT के खिलाफ। वो 22 वर्ष के उमरान ने 4 ओवर्स में 25 रन देकर 5 विकेट्स लिए। ये वही मौका था जब सुनील गावस्कर साहब खुशी से झूम उठे थे। डेविड मिलर का मिडिल स्टंप का जो डंडा था ना, गुलाटिया मारते हुए उखाड़ दिया था। बहुत सीरियस पेस थी वो यार, 149 किलोमीटर प्रति घंटे की। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को तो दिल दहला देने वाली बाउंसर फेंक डाली थी। ऐसा लग रहा था कि मानो गोली की तरह गेंद ट्रैवल कर रही थी। लेकिन मेरे लिए ना तो खास था वृद्धिमान साहा का वो विकेट। हाँ हाँ, साहा ने जीत दिलाई गुजरात को अपनी पारी की बदौलत, लेकिन साहा भी असहाय दिखे मलिक की 153 किलोमीटर प्रति घंटे पर फेंकी हुई इन स्विंगिंग यॉर्कर पर, जो उनका मिडिल स्टंप लेकर उड़ गई थी मैदान में। वाह, मनोरम दृश्य था वो। भाई को लगता है मिडिल स्टंप उखाड़ना काफी पसंद है। कोई बात नहीं कि हैदराबाद मैच हार गई हो, लेकिन भैया हारते हुए भी उमरान मलिक नामक व्यक्ति पहले विशेष हुआ और बाद में बाजीगर। सहमत हो आप सब मेरी बात से कि नहीं? हो तो लाइक वाला बटन दबा देना यार, कंजूसी मत करना बिल्कुल भी। उमरान 5 विकेट्स लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बने इस सीजन में। गावस्कर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि उमरान को इंग्लैंड लेकर जाना चाहिए जब टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे में जाएगी। हो सकता है अभी वो टीम इंडिया में ना खेल पाए,
क्योंकि बोलिंग यूनिट कंप्लीट है, लेकिन उनके जैसे यंगस्टर के लिए बहुत कारगर होगा कि कुछ खिलाड़ियों के साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। वहीं पर केविन पीटरसन बोल दिए कि ये बंदा तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच में खेलना ही चाहिए। इसी बीच में ऐसी कुछ न्यूज आ रही है कि मलिक को इंग्लैंड से बुलावा आ सकता है काउंटी खेलने का। गजब, ये होता है भोकाल। हमारी तो यही गुजारिश होगी कि ये परफॉर्मेंस ऐसे ही चलता रहे और तारीफों को उमरान कभी अपने सर पर न चढ़ने दे। अभी काफी सारे मैचेस बाकी हैं और देखना होगा आगे कितने स्टंप्स उखाड़ के तोड़ मरोड़ के हवा में उड़ा देते हैं उमरान मलिक। तो देखते रहेंगे हम भी आईपीएल को और आप भी देखते रहना आईपीएल को, हमारा चैनल भी देखते रहना यार। उमरान की तरह हम भी निराश नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने। तो फिर कैसा लगा वीडियो बंधु हो बताना जरूर कमेंट करके। कंजूसी करना मत, कतई मत करना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, फैला देना जितनों को फैला सकते हो, करदा उड़ा देना। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी होगा, दबा देना, फ्री है वो, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। बेल आइकन को भी दबा देना, जैसे ही हमने यहाँ से वीडियो डाला वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि स्विंग वालों ने वीडियो अपलोड किया है और आप जान जाओगे। फिर आप अपने समय अनुसार वीडियो देख लेना, देखना जरूर, बहुत अच्छा लगेगा हमें।